आए दिन हो रहे हिट एंड रन केसेस को रोकने के लिए और 15 अगस्त की रात में 11:30 बजे सावने रोड पर अनकंट्रोलिंग स्पीड से आकर फैजान रजा नाम के 21 वर्ष युवा को बेरहमी से कुचलता हुआ क्रेटा कार, जिसके कारण ऑन द स्पॉट उस बच्चे की मौत हो गई। क्रेटा कार में 4 लोग मौजूद थे। एक अभिमन्यु पोरवाल पर कार्रवाई हुई, बाकी 3 अब तक फरार है। चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण के उपाध्यक्ष हफीज साबरी व नागपुर शहर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में आए दिन हो रहे हिट एंड रन के विरोध में तीव्र आंदोलन किया गया। इसमें नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया और फैजान के परिजनों को आपके साथ हूँ और उसे इंसाफ दिलाने की बात कही। चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनीता ठाकरे ने भी हिट एंड रन के विरोध में कहा कि आए दिन पैसे वाले शराब के नशे में एक्सीडेंट कर जान ले लेते हैं, इसे रोकना जरूरी है। हफीज साबरी ने कहा कि सामने DYSP अनिल मस्के साहब ने हमें आश्वासन दिया कि फैजान के एक्सीडेंट होने से मौत हुई। कार के अंदर 4 लोग ड्रिंक करके मौजूद थे, जिसमें 3 लोग फरार हो गए हैं और एक अभिमन्यु पोरवाल युवक पर कार्रवाई हुई। इस मांग को लेकर कल 11 बजे संविधान चौक पर मोर्चा रैली रखी गई थी, जिस पर अनिल मस्के ने आश्वासन दिया कि इस रैली को रद्द कर दिया जाए, हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उन 3 पर भी कार्रवाई करेंगे, उस बच्चे को न्याय दिलाएंगे। रैली रद्द कर आंदोलन रखा गया। वसीम खान ने कहा कि हिट एंड रन से ज्यादा केस शनिवार की रात और त्योहारों के दिन हो रहे हैं। 15 अगस्त को फैजान का एक्सीडेंट में जान गई, ये सब दिनों में पुलिस की नाकाबंदी होनी चाहिए और शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों को पकड़ना चाहिए। साथ ही साबरी और खान ने DYSP अनिल मस्के साहब का इस विषय में मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। फैजान को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहने की बात भी कही। इस आंदोलन में प्रमुख रूप से फैजान के पिता, माता, भाई, मामा और सभी परिजन, साथ ही आम नागरिक भी हजारों की संख्या में उपस्थित थे। पुलिस ने जो कोर्ट में जो भी घटनाक्रम बताया होगा तो उसको जमानत कैसी कर लीजिए। मुझे लगता है कि ऐसे आरोपियों को जमानत नहीं मिलने को ना आपने पुणे का प्रकरण देखा, फिर यहाँ का प्रकरण देखा, तो ऐसी अगर एक दिन में अगर जमानत मिल जाए इसे होनहार बच्चे की जान जाने के बाद, तो ये ड्राइविंग करने वालों का डर ही निकल जाएगा। और मुझे लगता है इसमें पुलिस की भूमिका मुख्य होना चाहिए। पुलिस ने किसी न किसी कारणवश ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि उसे बेल ना मिले, नहीं तो मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट मौत में लोगों को लगेगा मैं कैसी भी गाड़ी चलाओ एक दिन में मेरी बेल हो जाती है। तो लोगों को बिल्कुल दिमाग पर जो डर है वो निकल जाएगा और इसकी चौकसी होना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल या शाम को मैं ग्रामीण के SPM से बात करूँगा, गृह मंत्री से बात करूँगा और इस बच्चों को न्याय दिलाने की अपन पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें और क्या कार्रवाई हो सकती है, जो कार्रवाई हुई वो उचित है क्या, या आप लोगों को और क्या बोलना है, इन सब आप चीजों पे अपन बात करेंगे उनसे और इस परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और ऐसी बेपरवाही से गाड़ी चलाने वालों को सबक मिले इसके लिए भी काम करेंगे। आपने यहाँ मोर्चा निकाला है और मुझे लगता है कि आपकी मांग जायज है, तो मैं महाराष्ट्र का राज्य का एक प्रतिनिधि करके शासन से ये मांगना मेरा हक है। आपका आपकी जो मांग है वो मांग को सामने रखते हुए उसके ऊपर न्याय मांगना मेरा हक है और मैं आपके साथ हूँ और कल अपन इसमें बात करेंगे। मुझे एक निवेदन होगा वसीम भाई तो दे दो, मैं SP से बात करता हूँ और गृह मंत्री से भी बात करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता हूँ। फैजान को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। यूट्यूबर का लाभ का फॉलोवर है यूट्यूबर के, और वो गरीब घर से आता है, पापा टेलर का काम करते है, तो भाव आज हमारे बीच में आया उसके लिए बहुत धन्यवाद भाई, बस इनको थोड़ा सा आज सहाय कीजिए। मुझे लगता है इस लोकशाही में मोर्चा निकाल के न्याय मांगने की जरूरत भी है। फैजान की जो मौत हुई है
उसके एक आरोपी को अटक किया गया, उसकी बेल हो गई है। और मुझे लगता है कि आपकी मांग है कि सब तीन आरोपियों को अटक करने को होना। अब इसमें बहुत सी बातें हैं कि जब गाड़ी चालक जो था वो गाड़ी चला रहा था, तब वो गाड़ी चलाने की स्थिति में था क्या, लाइसेंस था क्या, और ये सब होने के बावजूद पुलिस ने जो कोर्ट में जो भी घटनाक्रम बताया होगा तो उसको जमानत कैसी क्या मिलेगी। मुझे लगता है कि ऐसे आरोपियों को जमानत नहीं मिलने को ना, आपने पुणे का प्रकरण देखा, फिर यहाँ का प्रकरण देखा, तो ऐसी अगर एक दिन में अगर जमानत मिल जाए किसी होनहार बच्चे की जान जाने के बाद, तो ये ड्राइविंग करने वालों का डर ही निकल जाएगा। और मुझे लगता है इसमें पुलिस की भूमिका मुख्य होना चाहिए। पुलिस ने किसी न किसी कारणवश ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि उसे बेल ना मिले। तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट मौत में लोगों को लगेगा मैं कैसी भी गाड़ी चलाऊं, एक दिन में मेरी बेल हो जाती है। तो लोगों को दिल पर दिमाग पर जो डर है वो निकल जाएगा। और इसकी चौकसी होना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल या शाम को मैं ग्रामीण के एसपी से बात करूँगा, करेंगे कि उसमें और क्या कार्रवाई हो सकती है, जो कार्रवाई हुई वो उचित है क्या, या आप लोगों को और क्या बोलना है, इन सब आप चीजों पर अपन बात करेंगे उनसे। और इस परिवार राज्य का एक प्रतिनिधि करके शासन से ये मांगना मेरा हक है, आपका आपकी जो मांग है वो मांग को सामने रखते हुए उसके ऊपर न्याय मांगना मेरा हक है। और मैं आपके साथ हूँ और कल अपन इसमें बात करेंगे। मुझे एक निवेदन होगा वसीम भाई तो दे दो, मैं एसपी से बात करता हूँ और गृहमंत्री से भी बात करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता हूँ। मैं फैजान की खाला हूँ। फैजान को इंसाफ दिलाने के लिए आज सब यहाँ हमारी माँ बहनें सब जमा हुई है। फैजान को इंसाफ चाहिए। फैजान के जिसने भी ये सब किया है उसको बेल नहीं होनी चाहिए थी, पर बेल हो गई है। लेकिन हम सबको इंसाफ चाहिए, उसे फिर से जेल की सलाखों के पीछे रहना ही चाहिए। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसे मेरे को इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैजान भाईजान की बहन हूँ। मेरा भाई था वो, ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। और ये सब करने के बाद में हम लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं। इतना अच्छा मेरा भाई, आप लोगों की वजह से उसको क्या हो गया ना। और उन जिन लोग जिसने ये किया उसको बेल भी मिल गई है, बहुत गलत हुआ। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो क्या आप उसको बेल दे देंगे? जरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रख के सोचिए कि मेरे भाई के साथ इतना गलत हुआ। अब हम लोग अपने आप हर किसी को तो नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग को थोड़ा सोचना चाहिए ना। मेरा इतना अच्छा भाई था, वो बहुत बहुत गलत हुआ। हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैजान की खाला हूँ। वो मेरा भांजा था, ये बेरहमों ने इतने दरिंदगी से उसको कुचल दिया। और पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है, वो जालिम खुलेआम घूम रहा है, उसको बेल मिल गई। ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। बेरहम मारे जा रहे हैं, मुजरिम खुलेआम घूम रहा है। हमको जस्टिस चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। फैजान को जस्टिस चाहिए। कारण इसके लिए विशाल बम्बड़वार के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे The boarding and residential school facilities, library, laboratories, computer room, digital classrooms, music, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999.
एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज।